तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इफ़ान और शबाना के ब्लॉग में। और आज इफ़ो की तबीयत फिर ख़राब हुई है। अब मैंने बोली लापरवाही नहीं करनी है, अब सीधा जाना है डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए। तो बोली मैं इफ़ू को आज तो संडे है, संडे के दिन डॉक्टर नहीं मिलता है, तो कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ली, मुझे दिखाई दो, क्योंकि उठ रहे वैसे ही चक्कर आना चालू हो रही है, हाई प्रेशर हो रहा है, क्या पता शायद गोली कभी चालू करने बोलेगा, तो मैंने वो गोली चालू की। इससे पहले भी हुआ था ना, वो बहुत हुआ था इससे पहले, तो उठते सोते थे कि चक्कर तो डर के मारे सोते भी नहीं थे, बैठे रहते थे कि मैं सोऊंगा तो फिर मेरे को चक्कर आई, लेकिन अभी सुबह उठने के साथ में उनको चक्कर आ रही, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सुबह सुबह अकेले उठ जाते, मैं सोई रहती हूँ, अल्लाह ना करे को सुबह हो जाए तो अल्लाह ऐसा ना हो अभी, लेकिन अभी कल डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेंगे, कल दिखा देंगे। सब बीमार है, जो देखो जिसका फ़ोन आ रहा है, देखो क्या पता क्या है, ये बीमार वो बीमार, शायद क्लाइमेट ही ऐसा है इसकी वजह से हो रहा है। तो आज माशाल्लाह बड़ी रात है, आप सब लोग दुआ करो, हम लोग भी आप सब लोग के लिए दुआ करिए, अल्लाह सबको सब खैर तंदुरुस्ती अच्छे से रखे, सब बीमारी से दूर रखे, और डॉक्टरों से तो दूर ही रखे, डॉक्टरों से दूर। पैसा ले तो चले, पैसा लो, लेकिन इलाज तो करो सही से, वो इलाज भी सही से नहीं करते, पैसा तो पानी की तरह जाता ही जाता है, लेकिन इलाज भी सही से नहीं करते, अल्लाह रहम करे ऐसा। और आज बड़ी रात की तरह सबकी अल्लाह मुश्किलें आसान कर दे, सबकी दुआएँ कबूल करे। और आज ही खुद आज हम लोग बनाने वाले हैं देसी मुर्गी का सालन बनाएंगे, और थोड़ी बहुत नियाज लेके फातिया दिला देंगे आज, क्योंकि आज बड़ी रात है, कल कभी सबने जो पर्दे निकाले थे सब धो के कर चुकी है, अब लगाती कि नहीं लगाती, नहीं लगा रही, ऐसे अच्छे लग रहे हैं। हाँ जो जोश में लेती है, नहीं अभी नहीं, बाद में लगाऊंगी, मैं मना ही ऐसा फालतू है, खुला अच्छा लगता है, नहीं घर खुला जितना रहेगा उतना अच्छा, लेकिन शो हर जगह पैक तो पैक क्या, माशाल्लाह देखो सब जगह मैंने खुला ही रखी, पूरा खिड़कियाँ खुली रखी है ना। हाँ तो चलो ये पर्दे देखो सब भर के रख देते हैं, वेस्ट है, पैसे भी वेस्ट है। देखो ज्यादा मत बोलो, चक्कर आएगी, मत बोलो ज्यादा। तो चलो अभी आगे क्या होता है फिर आपको बता। तो मैं इतनी बीमारी में भी चक्कर अभी भी मेरे को आ रही, लेकिन फिर भी मैं गोदाम जाके आया, पत्ते लेके आया, अभी नीचे उसको खिलाने जाऊंगा, उससे पहले शब बोली मैं पका लेती हूँ, फातिया का टाइम हो रहा है, तो देसी मुर्गी लेके आया, और क्या बोलते हैं, सब सामान भी ले लिया, टमाटर ने जो जो था सब ले लिया मैंने, और शब यहाँ तैयार हो चुकी है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। चक्कर में भी मैंने तुमसे काम कराई, सॉरी, लेकिन थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा, सिर्फ पड़े रहेंगे बिस्तर पे तो और ढीले ढीले हो जाएंगे। अच्छा फटाफट बता, तो मैं हिल रहा हूँ। मैंने देसी मुर्गी माशाल्लाह धो के रख दी हूँ, देसी मुर्गी, और इसके अंदर है ना, इसके अंडे जो निकलते हैं ना, वो इसके अंडे देखो, ये कलेजी नहीं दिया, कलेजी नहीं है, छोटी हाँ छोटी मुर्गी बोलते हैं, सिटांगे भी छोटे खाते भी तो घर की नहीं है। अच्छा, तो इसके अंदर मसाले अपने जो पहले भी बताती हूँ, फिर भी बता रही हूँ मैं, इसमें मैंने चार गली प्याज ली हूँ, और तेल अपने हिसाब से लेना, मैंने इतना तेल ली हूँ, अदरक लहसुन दो चम्मच ली हूँ, टमाटर एक ली, और उसमें मसाले जाएंगे, हल्दी, धनिया, जीरे की बुक्की दो चम्मच, और ये लाल मिर्ची दो चम्मच, नमक अपने हिसाब से, कसूरी मेथी, गरम मसाला, चिकन मसाला और काली मिर्च, ये सबको डाल के अपन बैठा बना देंगे, और शाम को देंगे इंशाल्लाह, कोई नियाज देगी तो आज कर देंगे, नहीं तो फिर कल बांट देंगे, कल दोपहर के टाइम पे भी बांट सकते हैं नियाज, वो दोपहर के टाइम अभी इसका मैं मगरिब पर फातिया दे दूंगी, मम्मी का भी फातिया हो जाएगा, अपने हुजूर के नाम पे भी फातिया हो जाएगा, तो और बाद में फिर चिराग सब जगह जलेंगे, रोशन होंगे माशाल्लाह, मेरा भी दिल बहुत करता करने का, लेकिन वो बहुत डर लगता है कि जरा भी अल्लाह ना करे कुछ बेइज्जती हो जाए, और फिर बोलते एक बार जलाएंगे तो हर साल जलाना, तो देखो मेरे को कमेंट्स करके बताओ कि ये सही है कि नहीं है, मेरे को इतना मालूम नहीं है चीज़ों के अंदर, तो चलो पकाना स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग में अपन डालते हैं तेल, फिर इसके अंदर जाएंगे अपने सब बेसिक मसाले, और इसमें प्याज, इसको अपन प्याज डाल करके बना सकते हैं, इसको बाफ के, लेकिन बाफने से ना इसका टेस्ट है ना चला जाता है, तो इसका जो टेस्ट इसके अंदर आएगा ना वो अच्छा लगता है। अदरक लहसुन और टमाटो, और इसमें जाएगा पानी, आलू और ये अंडे है ना, जब अपन गल जाएगी ना मुर्गी, और ये 90% 10% पकाने के लिए अपने को डालने का पेपर, ठीक है फिर आवाज के लिए, तो बोलते मैं आ गया हूँ आपकी आवाज पे बुला रहे, मैं कहाँ गई थी तुम्हारी आवाज, इंशाल्लाह एक दो दिन जाएगा हो जाएगा, नहीं आज आपको अपने सरकार डॉक्टर के पास से चले जाएंगे दिखाने के, कल तो अपॉइंटमेंट लिए डॉक्टर का, लेकिन आज की एक का थोड़ा दिखाने के लिए ज्यादा नहीं हो जाए, चलो ठीक है बस, चलो अभी मैं इसको चढ़ाती हूँ, सीटी में तो दलिया तुम्हारा चढ़ा दी, चावल भी मेरे बन गए, फिर चिकन गल जाएगी, फिर मैं बताती हूँ।
तो ठीक है चलो फिर कुकर पे रख के उसको सीटी मारेगा, हाथ मारेगा तब उसको बुला उतार देंगे, फिर उसके बाद क्या क्या होगा आपको तो जरूर बताऊंगा। ठीक है चलो। तो कुकर ने सीटी मार मार के बुला लिया, बोला मैं तो उतारो, मैं गल चुका हूँ, सब हो चुका है, मैंने तैयार कर चुका हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो सब तैयारी चालू कर चुकी है। मसाला एकदम, प्याज एकदम गल गई, चिकन भी थोड़ी 90% गल गई है। अभी इसके अंदर अपन ये अंडे और जो ये आलू है ना वो सब डाल देंगे कोथमीर के साथ। तो ये अंडे भी इसमें बॉईल हो जाएंगे और आलू भी गल जाएंगे माशाल्लाह। फिर मगरिब की अजान हो जाएगी, फिर अपन फातिहा भी देंगे मगरिब के बाद। फातिहा बड़ी रात बाद में होती है ना मगरिब के बाद, हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो ठीक है, तो चलो अभी उसको गलने लग पकाने लग जाएगा, जो गल जाएगा मस्त हो जाएगा। फिर उसके बाद अजान हुई, अजान के बाद फातिहा देंगे, फिर खाएंगे, फिर आप लोग को बताएंगे कि कैसा बना है। आप लोग भी बनाइए और खाइए और हम लोग को दुआ में याद कीजिए। क्या भुना हुआ पानी, पतला चीज पानी डालो, नहीं चाहिए साथ में खाओ मस्त टेस्टी लगता है, बना के जरूर। तो चलो अभी नीचे जा रहा हूँ, बकरे को खिला ला लूँ। अभी सुबह से नहीं, दोपहर से अभी भूखा है, तो उसको भी जाके पत्ते पे बांध देता खिला लगे, फिर ऊपर आऊँगा, क्या होता आप लोग को जरूर बताऊँगा। ठीक है, ठीक है। तो माशाल्लाह खाना पक चुका है, सब ने तैयारी कर चुकी फातिहा की, और लोबान लेके आ रही है, लोबान लेके भी फातिहा देगी। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, पूरी तैयारी हो चुकी है माशाल्लाह, सबके चेहरे पर नूर भी अच्छा लग रहा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो ये फातिहा दे रही है, सलाम भी हो रहा है, लोबान नहीं जाली। तो चलो फातिहा क्या हो जाएगा, उसके बाद खा के बताऊंगा कैसा बना, फिर आप लोग भी बनाइए। तो ये हम लोग आ गए डॉक्टर के पास, चक्कर आ रहा है। हां हां, अभी सुबह खाया, दो टाइम बोला था इसने, लगता है प्रेशर भी आपका, लगता है शायद गुनाह हो गया मेरा। कैसे आ रहा है, यूट्यूब पे ज्यादा लोग देख लिए ना, नजर का बना हुआ है, नजर का कुछ बनाना पड़ेगा, बीमारी भी मजाक करते हुए पेशेंट को हिम्मत दे रहे थे, बहुत भारी पड़ा एकदम बेचैन, फिर भी कैसा चला रहा हूँ दिल्ली अंदर थोड़ा दिन कल से। तो हम लोग ने नियाज दे चुके हैं, और क्या करेंगे अपन कल, बांधी जा रहे थे ना वहाँ पे, तो आदमी लोग को बांटेंगे ना, जो आगे जो देखने आते हैं, मुबारक देखने के लिए आएगा उनको नियाज दे देंगे, तो वहाँ दरगाह में हम लोग दे देंगे। तो भाई ये बोले ये अच्छी चीज़ है, दरगाह में दे दो बोले, यहाँ वहाँ सबको बांटने से अच्छा उधर देख के जाएंगे, लेते जाएंगे। हाँ, तो माशाल्लाह वहाँ पे नियाज दे देंगे, तो हम लोग कार्टून में ले चुके हैं, और जो लोग जा रहे हैं राउंड मारे सब जगह देखने की कैसी कैसी रौनक है माशाल्लाह, सजावट देखने। हाँ माशाल्लाह, हर किसी के घर में रौनक है, हर किसी के में चिराग जल रहे हैं, देखो माशाल्लाह सब जगह सजावट है। तो माशाल्लाह से देखो हमारी पूरी गलियां सज चुकी है, पूरा भिंडी बाजार, ये देखो इधर मदराज नदी के लिए माशाल्लाह का इतना प्यारा सा बना है, बहुत प्यारा प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है, अब दो साल में एक बार ऐसा देखने मिलता है। हाँ माशाल्लाह, लेकिन रौनक अपनी भिंडी बाजार पर रहती है। हाँ, और अभी जा रही हूँ तो और सजा। हाँ माशाल्लाह, चलो ये देखो माशाल्लाह ऐसे पूरा डेकोरेशन करके रखा है, ये भी है माशाल्लाह, आए फिर सुबह के फजर फजर तक माशाल्लाह सुबह में नाच शरीफ पड़ेंगे। यहाँ पे अभी सजावट का काम चालू है, तैयारी कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे तैयारी चालू है, इंशाल्लाह हो जाएगी, रात तक हो जाएगी लगता, सबको अभी खरीदी कर रहे हैं, दो दिन तीन दिन पहले खरीदी करना चाहिए ना, जैसा मैंने खरीदी कर ली ना, देखो ना कितनी कर दी, देखो जगह जगह सब लाइटिंग लेने के लिए कर दी, सब जगह कर दी माशाल्लाह, दस मिनट के तो 10 सेकंड निकालती है, क्या 10 सेकंड निकाली, फटाफट निकाला, फटाफट कर निकाला, देखो माशाल्लाह मस्जिद क्या सजाए, क्या बोले, हमेशा चमेरा तैयार रखने का, अच्छा दिखे फट से रिकॉर्ड कर लो, अच्छा पब्लिक
अपने फैन लोग क्या बोलते हैं कि तुम अच्छा अच्छा दिखाओ हमको। अच्छा हाँ, तो दिखाती नहीं, तो खाली बैठ के मजे लेती है, मेरे को पीछे बैठ के मजे लेना। तो मैं बहुत लाज चलाती हूँ मैं बाइक, लेकिन चलाइए तो कम और डरूंगा ज्यादा। काहे को तुम डरोगे, चलो ना मैं चलाती एक बार, चला देख दो। तुम बैठे ही नहीं, तुम्हें कितने साल हो गए तुम गाड़ी बैठे नहीं हो तुम। रोज तो मेरा खून पीती है, आज जूस पी लेना। बहुत ज्यादा बोलेगा कि बाहर का मत खाओ, बाहर की तबीयत खराब होती है, मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ जूस पीऊंगी और तुम वहाँ पे खाना खाओ, ताकत की जरूरत है तो जहाँ पिज्ज़ा खिलाने ले जाता हूँ वहाँ पिज्ज़ा की होटल बंद हो चुकी थी, तो सब का मुँह उतर गया और मेरा चल जाने शाली मार जाते जूस पी तू जूस पी ना, वहाँ हम लोग पिज्ज़ा खा लेंगे। नौशीन डानी शाम में पिज्ज़ा खाएंगे और ये सब जूस पिए बैठे, तो आप लोग देखो सब शाली मार आए तो जूस नहीं फालूदा पी। अच्छा कितना लुटेगी रे, घर में तो खून पीती है। हम लोग आए ना नौशीन से मिलने के लिए, आ चुके हैं। नौशीन क्या ले रही है? दानिश ले रहे हेल्पिंग। अरे नौशीन लेते हैं तो अभी जाइए अंदर, क्या क्या मंगाते आप लोग को जरूर बताएं। ठीक है, फालूदा भी ना, फालूदा मेरा सैंडविच आ चुका है, शॉर्मा लो का बाकी है सब। तू जूस मंगाए क्या हमें? इसमें जूस मंगाया तो आप लोगों को सैंडविच दिखाता हूँ, है ना आंटी? क्या सैंडविच है? लोग जलाएगा खा कर, चार चार पीस है, एक दो तीन चार। ओह, एक टुकड़ा अलग क्यों हो गया? सब का मुँह देखो, कहता मुँह पानी तो आ रहा है सब। इधर बता हमला कर चुके हैं, उससे पहले लोग खत्म कर दें वो चक लेता है। ठीक है, तो नौशने की क्या मंगाई नौश तुमने? बास्केट चाट लो, घर पे नहीं ले जाओ तो उसकी चटनी अलग मंगाए, इसको भी चाट लो। और शॉप एक जगह से मजे ले रही है कि क्या मत मतलब है ना, खा लो थोड़ा। एक चक्कर से थोड़ा बहुत चाट, तो सबका मन तो रहा चढ़ना ढका ले रही है, तो मैंने जीत के थोड़ा चक लिया। नहीं ठंडे के साथ चखी तूने, है ना? चलो ठीक है, दो शॉर्मा बचाए लोग आ जाओ तो खा के हम लोग निकल जाए। तो सब बाहर निकल गए क्योंकि लोग शॉर्मा खा रहे, सबका मन चाह रहा था खाने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने मना किया नहीं खा रही, तो सब ऐसा करके बाहर निकल के फिर मुझे मैं भी आ गया। मेरा जानते सब नहीं खाई तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी बाहर आ चुका हूँ, है ना? जब खा के आया दे दिया मैं, जाओ जाओ जा। वो अच्छा गई तो बच्चे लोग अंदर खा रहे हैं, उनको खाने तो हमको बाहर बैठे इतना ज़्यादा चक्कर आती है नहीं ऐसी में, वो तो अंदर भी आ रही थी। तो आवाज़ भी देखिए आप लोग कैसी बैठ चुकी है, वैसी बैठी ली थी मेरी और बैठ चुकी है। तो जो अभी ये लोग बच्चे निकले तो घर जाके, घर जाके अभी क्या होगा अभी आप लोग को बताइए, ठीक है ना? तो शब का मन तो बहुत तवा खाने का, तो नहीं खाई और बार बार एक ही बात मत बोलो, यहाँ मिलता है खाने का मेरे को, अभी अभी तबीयत ठीक नहीं तो नहीं खा रही थी, तो मैंने चखी दही वड़ा, बार बार एक ही बोल रहे कि खाने का मन, मन तो था इसका, अभी आगे जाते भूख लग गया करो, मैं चुपचाप सो जा रही क्या करूँ क्या, जब खाना जब नहीं खाई। तो चलो इधर ही ब्लॉग एंड करता हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, फिर भी दबाओ।